आपके संडे में घोलने एंटरटेनमेंट की डोज आ गई हैं वेरी पॉपुलर टीवी एंड फिल्म एक्ट्रेस मीता वशिष्ठ जी। वैसे मीता जी, मैं तो हूँ आपकी बहुत बड़ी फैन। क्या आप सबने देखी है मीता जी की नई वेब सीरीज जाबाज हिंदुस्तान के? अगर नहीं तो जरूर देखिएगा। फिलहाल लेकर चलते हैं आपको मीता जी के पास और करते हैं इनसे ढेर सारी बातें। मीता वशिष्ठ, टीवी और फिल्मों का जाना माना चेहरा। इन्हें आप कई सीरियल्स, शोज और फिल्मों में देख चुके हैं। इन्होंने सीरियल काला टीका, कहानी घर घर की, जोधा अकबर और कई ऐसे सीरियल्स में काम किया है। फिल्म गुड लक जेरी में एक अनोखे अंदाज में आप मीता को देख चुके हैं कि करती हैं पर्दे पर सीरियस रोल। इसके अलावा वेब सीरीज की अगर बात करें तो Z5 पर जाबाज हिंदुस्तानी में नजर आएंगी मीता वशिष्ठ एक अनोखे किरदार में, जो कि रिलीज हो चुकी है। यानी कि कलाकार एक लेकिन किरदार अनेक। भाई आज हम देखेंगे मीता का अनोखा अनदेखा अंदाज, ऐसा रूप जो किसी ने नहीं देखा होगा। भाई पर्दे पर तो ये सीरियस किरदार निभाती है लेकिन रियल लाइफ में है ये एक फूडी। सास बहू और बेटियां आज कर रहा है मीता वशिष्ठ से खास मुलाकात और आज इनके साथ हम बिताने वाले हैं पूरा एक दिन, जहां वो आज मुंबई की सैर करेंगी और यहां की स्ट्रीट फूड का मजा उठाएंगी। वड़ा पाव से लेकर पान तक ये सब का स्वाद चखने वाली है। तो चलिए मिलते हैं मीता वशिष्ठ से और करते हैं शुरुआत इस फूडी डे आउट की। सास बहू और बेटिया की टीम के साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। ऐसे तो आपने इनको हमेशा ही बहुत ही सीरियस रोल करते हुए देखा होगा लेकिन आज आप इनका एक अलग अवतार देखने वाले हैं। प्लीज वेलकम मीता वशिष्ठ जी, वेलकम। आज आप पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत ही नॉस्टैल्जिक वाइब हमें देने वाली हैं, बी इट फॉर कॉलेज या फिर स्कूल की बात की जाए या फिर अभी जो हम जहाँ जाने भी वाले हैं। आप जहाँ मुझे ले जा रही, मैं चल रही हूँ। तो भाई डे आउट की शुरुआत होती है गर्मा गर्म वड़ा पाव खाने से और देखिए सास बहू और बेटिया संग मीता वशिष्ठ पहुंच गई है इस फेमस वड़ा पाव शॉप पर, जहां पर आज मीता वड़ा पाव खाने वाली है और उन्हें आ जाएंगे उनके कॉलेज वाले दिन याद। ये जगह एक बहुत ही फेमस वड़ा पाव सेंटर है जहाँ हम जा रहे हैं। किस तरह की यादें जुड़ी है वड़ा पाव के साथ? वड़ा पाव तो बहुत ही बम्बई वाली चीज है या मुंबई वाली चीज है और पहले बार मैंने नाम इसका यहीं पे सुना था। मैं मोस्टली दिल्ली में या नॉर्थ में रही हूँ तो वहाँ पे वड़ा का मतलब कुछ और होता है, या साउथ इंडियन जो वड़ा होता है बड़ा सांभर, तो वड़ा पाव मतलब जिसे हम आलू भोंडा कहते हैं नॉर्थ में, उसे आलू भोंडा कहते हैं, तो यहाँ पे वड़ा जो है, तो पहली बार मैंने वड़ा पाव सुना और मेरा बहुत फेवरेट फूड हो गया है काफ़ी सालों से ये, सो थैंक यू जी। सो ऐसे में किस तरह का वड़ा पाव पसंद है, क्योंकि उसके साथ लाल चटनी जो सूखी, लाल वाली सूखी चटनी बहुत पसंद है। मैं तो कहती हूँ सब कुछ डाल के दे दो, लाल चटनी उसमें, वो फिर हरी वाली चटनी, वो हल्की सी फ्राइड मिर्ची, हरी मिर्ची, वो भी मुझे पसंद है। और पहले जब मैं आरे कॉलोनी में एक वड़ा पाव वाला है जो बहुत मशहूर माना जाता है तो वहाँ मैंने खाया है। फिर पूना के रास्ते में एक जगह है ना जहाँ पे वड़ा पाव बहुत मशहूर होता था पुराने हाईवे पे, तो वहाँ पे भी खाया है। तो हाँ वड़ा, और एक दूसरा वड़ा पाव है उसके काफ़ी ब्रांचेस हैं, तो मैं वड़ा पाव सब जगह चखती हूँ। आइए चलते हैं, मुंबई का भी ये फेवरेट काफ़ी फेमस वड़ा पाव सेंटर है, वहाँ चलते हैं। अच्छा इसका नाम क्या है? कीर्ति वड़ा पाव, जो कि लोअर परेल में आता है। अच्छा 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 अच्छा, ये कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है क्या? जी कॉलेज भी इसके बगल में ही है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी रहती है बच्चों के लिए। अच्छा तो मतलब पढ़ाई होती है वड़ा पाव खाते हैं लोग तो आपके वड़ा पाव के लिए बहुत लंबा क्यू लगी है, तो ठीक है वेट करते हैं थोड़ा। आपके कॉलेज के दिनों से किस तरह की यादें जुड़ी हैं? बहुत यादें, बल्कि कॉलेज ने ही मुझे पहली बार एहसास दिलाया कि
मेरे अंदर एक्टिंग की कला है या एक्टिंग का जो एक हुनर है वो है, हुनर कहना चाहिए। मुझे लगता है हमारे टीचर्स इतने महागुरु थे अंदर से, यू नो, और उनको एक स्टूडेंट, एक जैसे स्टूडेंट एक यंग पौधा होता है, तो उस पौधे का उनको समझ में आ गया था कि ये कैसा पौधा बन सकता है, और उन्होंने उसी समय मेरे मुझे कहा कि तुम बनना, लेकिन मुझे 5 साल लगे। तो कहीं ना कहीं कॉलेज ही थी एक जगह जहाँ पे हम पूरी तरह से बड़े हुए, पनपे, अपने आप को पहचानने का हमें मौका दिया गया। ये नहीं था कि बस अब मेरा सब्जेक्ट पढ़ो, उसमें नंबर लाओ। और हमारा वहाँ पे उन दिनों फेवरेट जो खाना होता था कैंटीन में, वो या तो ये आलू भोंडा था, पर वो कम बनता था, समोसे होते थे और एक ब्रेड पकौड़ा नाम की चीज़ होती थी। ब्रेड पकौड़ा कभी सुना है आपने? सुना है, हाँ, तो आप जानती हैं क्या है। ये कुछ अलग है और इंटरेस्टिंग है, अलग है। इट्स अ वेरी ग्रेट फूड यार। इनमें कार्ब्स भी हैं और इस मौसम के हिसाब से एक तीखापन भी है, क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे आप बसे हुए हैं, वहीं का खाना अपना लो। तो अब मैं काफ़ी हद तक महाराष्ट्रन हो चुकी हूँ। खाना पीना है वो फुर्सत से बैठ के आराम से करना चाहिए। भाई मजेदार वड़ा पाव तो खा लिया, अब बारी है एक स्पेशल जगह जाने की। जी हाँ, मीता संग हम जाएंगे बीच पर, जहाँ पर होगी मस्ती अनलिमिटेड। तो चलिए करते हैं सफर की शुरुआत। मुझे लगा ये क्या वड़ा पाव बोलते रहते हैं लोग, मैंने इसमें क्या है ऐसा खास, यू नो, एक सिंपल सा एक बन है और उसमें एक आलू की टिक्की है और उनका एक लाल मसाला है। फिर मैंने तो शुरू में मुझे ऐसा था नहीं इसका कि हाँ कुछ होगा, फिर मैंने देखा भी, तो फिर उसके बाद जब मैंने खाना शुरू किया एक धीरे धीरे इतना रियलाइज इट्स रियली स्पेशल। आई मीन यहाँ का जो इसका जो एक अलग स्वाद है वो यहीं होता है। जैसे आप किसी और शहर में जाके बोलो मुझे वड़ा पाव खाना है, तो जो महाराष्ट्र और मुंबई में वड़ा पाव है वो आपको टेस्ट कहीं और मिलेगा नहीं। तो मेरे लिए वड़ा पाव इज़ वेरी मच, आई थिंक, मुंबई से मेरा जो रिश्ता है वो ये है कि जब आप छोटे होते हैं तो आप माँ बाप के साथ रहते हैं, टीनेजर होते हैं तब भी, एटलीस्ट हमारे टाइम में तो था। फिर आपको एक ऐसी जगह मिलती है जहाँ पर आप एज अ यंग इंडिपेंडेंट वुमन पूरी तरह से पनप सकते हैं, तो वो शहर है बॉम्बे, मुंबई, जहाँ पे आप पूरी तरह से अकेले अपने बलबूते पे रह सकते हैं, बिना डरे, बिना अपने उसूलों से किसी भी तरह सा का समझौता करके। तो ये एक बहुत कमाल का शहर है कि जहाँ पे अगर आपके अंदर कुछ टैलेंट है जो सॉलिड होना चाहिए, मैं ये नहीं कहती कि ऐसे मुँह उठा के चले आओ, मैं ये नहीं मानती हूँ, फिर आपको लगेगा कि बॉम्बे अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप सोच समझ के अपने मार्ग को सामने रखते हुए और पढ़ लिख के इस शहर में आते हैं, तो ये एक शहर है जहाँ पे मैं सुबह 3 बजे भी अकेले अपनी गाड़ी चला के सुरक्षित महसूस कर सकती हूँ। किसी और शहर में, ख़ासतौर से दिल्ली जैसे शहर में, मैं अगर अकेले अपनी गाड़ी में हूँ और अगर 9 बज जाए रात के, तो मैं शायद ना निकल पाऊँ, मुझे थोड़ी सी घबराहट होगी, थोड़ी तो क्या, काफ़ी घबराहट हो सकती है कि अकेले जा रहे हैं एक शहर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक। पर बम्बई में आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा, कभी नहीं। इट्स अ ग्रेट सिटी रियली। बम्बई में इसलिए आती थी क्योंकि सब शूटिंग यहाँ थी और रोज़ मुझे यहाँ शूटिंग करनी पड़ती थी। तो उन पहले 3 सालों में एक ऐसा दिन नहीं था संडे जहाँ पे मैं शूटिंग नहीं कर रही हूँ। तो करा के मुझे बॉम्बे शिफ्ट होना पड़ा, बिकॉज रोज़ शूटिंग 3 साल तक इन वेरियस, बहुत सारे फिल्म, सीरियल्स,
और बहुत उम्दा डायरेक्टर्स जैसे यू नो मनी कौल, कुमार शानी, गोविंद निलानी, सुभाष गाई, महेश भट्ट, गुलजार साहब, केतन मेहता, श्याम बेनेगल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिनका था, आई मीन उन दिनों, तो ऐसे सब डायरेक्टर्स के साथ आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में लगे रहते थे, शूटिंग लगातार होती थी। तो बम्बई ने मुझे अपनी दोनों बाहें खोल के, जिसे कहते हैं ना, आमंत्रित किया लिटरली। तो शुरू में मेरा कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं था कि काम ढूंढने आए हैं, ऐसा नहीं था। मैं इसलिए यहाँ बस गई क्योंकि सारा काम करना पड़ रहा था यहीं पे। बम्बई जैसी जगह में आपको जो आपने जमा पूंजी जो सीखी है उसको दिखाने का एक मौका है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को किसी एक जगह से बंध के नहीं रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मैं घूमती हूँ बहुत, मैं बम्बई मुझे वो क्षमता और वो साधन देता है कि मैं जगह जगह घूमाऊँ, अलग अलग जगहों में परफॉर्म करूँ। अभी मैं पटना से आ रही हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे रिटायर हो पाऊँगी। कि आपने कहा कि ठीक है ये एक शहर है जहाँ मैं अपना बुढ़ापा या अगर ऐसा कुछ हुआ मैं एक्टिव रहना चाहूँगी, पर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी जो एक रफ्तार है इस शहर की, वो कुछ समय बाद आपको थका भी देती है, आपको बिना वजह थका देती है। आप उतना काम करके नहीं थकते जो आप सड़कें नापने में थक जाते हैं। पुलिस बेस्ट है ये मैं कह दूंगी, क्योंकि मेरे जो कांस्टेबल से लेके बड़े अफसरों तक बहुत एनलाइटन, बहुत अकलमंद फौज है ये। वो चीज़ों को समझते हैं, समाज को समझते हैं और एक विनम्रता से बात करते हैं, जो अक्सर कई ऐसे शहरों में अगर आप जाएं तो पुलिस ऐसे बात करती जैसे वो आपको वैसे ही बातचीत के दौरान ही आपके सर पे कुछ डंडा मार रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत समझदार, एक लेवल पर सुशील भी और सोच समझदार लोग हैं मुंबई पुलिस फोर्स। मेरा उनसे काफ़ी बार ज़रूरत पड़ी मुझे उनकी, तो जो पुलिस है वो हमेशा मदद में मदद के लिए आई है और बहुत कायदे से बातचीत करते हैं और बहुत समझदार हैं। सो आई हैव इन बॉम्बे एटलीस्ट द पुलिस इज़ माई फ्रेंड। जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने स्क्रिप्ट में दी है कि उन्होंने रिसर्च सब किया है, NIA जो पुलिस का एक विंग है जो टेररिज्म के साथ डील करता है, तो उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उस हिसाब से मैंने सवाल जवाब किए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं NIA में जाके बैठ के मैंने रिसर्च की, बिकॉज माई रोल इज़ ऑल्सो ऑफ द ऑफिसर हु हैंडल्स हुज़ अ वेरी सीनियर लेवल, तो बेसिकली वो डिसाइड करती कि कैसे क्या होना है, बट आई एम नॉट ऑन द फील्ड। सो मोर ऑर लेस जो आपके जो स्क्रिप्ट लिखते हैं वो पहले से रिसर्च किए होते हैं बहुत, तो उससे ज़्यादा आपको ना तो टाइम दिया जाता है, क्योंकि आपको स्क्रिप्ट कोई 3 महीने पहले तो मिलती नहीं है, 3 महीने पहले तो प्रोजेक्ट भी नहीं मिला होता है। पहले जब हम लोग कई साल पहले जब हम लोग करते थे तो अक्सर आप जब फिल्म साइन करते थे उसके 4 महीने बाद फिल्म की शूटिंग होती थी और उन 4 महीनों में आपकी तैयारी होती थी कि जैसे सिद्धेश्वरी के लिए मैंने कथक सीखा 3 महीने, डायरेक्टर के यहाँ आए हम लोग NCPA जाते थे सिद्धेश्वरी जी की ठुमरियाँ सुनने, तो उस तरह की प्रिपरेशन का ना तो अब टाइम होता है ना उस तरह का वर्क कल्चर है, यू नो। सो ऑफ कोर्स इफ दे टोल्ड मी कि नहीं इस रोल के लिए आपको ये रिसर्च करना है कीजिए हम आपको मटेरियल दे रहे हैं, आई वुड हैव डन इट, बट दे डोंट नीड इट, सो आई फॉलो द स्क्रिप्ट डायरेक्टर। तो भाई सफर खत्म हुआ और हम पहुंच गए हैं समंदर किनारे, और यहाँ पर पहुँचते ही मीता को दिखे खट्टे मीठे बेर और उनका मन ललचा गया और उन्हें याद आ गया अपना बचपन। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है उसका नाम है कालबेट, वहाँ पे मेरे पिताजी की गाड़ी रेजिमेंट थी 65 फीट रेजिमेंट, वो पोस्टर थी उधर, और वहाँ कुछ नहीं था, दो बैरिक्स थे
और एक बियाबान जंगल था और खुले खुला था और बहुत सारी बेर की झाड़ियाँ होती थी। तो बचपन में हम लोग बेर ऐसे तोड़ तोड़ के खाते थे, ऐसे वाले बेर थे। बचपन में मैंने बेर अपने हाथ से झाड़ी से तोड़ तोड़ के खाया हम बच्चों ने मध्य प्रदेश में। अब तो ये देखने को नहीं मिलते, आपके यहाँ ही मिलते हैं बेर देखने को मिलते हैं, गुजरात से। अब बारी है बीच पर मस्ती करने की। भाई समंदर किनारे पहुंचते ही इन लहरों से बातें करने लगी मीता वशिष्ठ, और देखे तो जरा कैसे वो इन लहरों संग झूम रही है। ज़्यादा थक जाती हूँ तो अक्सर मैं शूटिंग के बाद या कभी स्टूडेंट्स की क्लास हुई, जैसे विस्ले वुड्स में पढ़ाती हूँ कभी कभी, तो 6-7 घंटे तो फिर मैं आ जाती हूँ बीच पे। घर जाने से पहले मैं बीच पे अक्सर आती हूँ, अभी अक्सर शूटिंग के बाद या फिर अगर बहुत कुछ बोलने वाला कुछ दिन रहा, जैसे आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो देन आई कम हियर, फिर आधा घंटा पौना घंटा मैं यहाँ बैठ के फिर घर जाती हूँ। बहुत समय से मुझे कह रहा था मुझे जाने दो, लेकिन जानवर की भाषा समझने के लिए ना आपको एकदम शांति से बीच पे आके उसके साथ बैठना पड़ता है, तब आप एक्चुअली यहाँ से सुनते हो। बीच पर मस्ती के बाद फिर एक बार बारी आई स्ट्रीट फूड खाने की, और यहाँ पर इन्होंने भुट्टा चखा। मुझे भुट्टा बहुत पसंद है, एक बार मैंने मैटर ओवरडू कर दिया, मुझे भुट्टा इतना पसंद है कि बचपन से मैं जहाँ भुट्टा देखती हूँ ना वहाँ खड़ी हो जाती हूँ कि भुट्टा तो खाना है, उसके बिना जाएंगे नहीं। फिर एक बार अहमदाबाद के हाईवे पे साइड में भुट्टों के बहुत सारे वो स्टॉल्स होते हैं, ताज़े बेचते हैं, तो एक जगह मैंने खड़े होकर 3 भुट्टे खाए एक साथ बड़े बड़े, उसके बाद जो पेट में दर्द हुआ। उफ। यमी यमी कुल्फी। Thank you.
पाव भाजी का मजा। डाइटिंग को बाय बाय कहकर मीता मन भर कर अपनी फेवरेट चीजें खाने वाली है। और यमी यमी फूड खाने के बाद अंत में जबरदस्त पान खाना तो बनता है ना। ने पान तो खाया ही, साथ ही साथ बताया अपना किस्सा भी। मैं सिद्धेश्वरी फिल्म करी थी, मेरी पहली फिल्म मनी कॉल के साथ ही। मुझे पान बहुत पसंद है, उसमें मैं ठुमरी सिंगर बनी हूँ, सिद्धेश्वरी देवी उनका रोल कर रही थी। मैंने उनको पेश मैंने वो फिल्म उनके बारे में, तो पान बहुत खाना पड़ता था ताकि होंठ लाल हो। तो वहाँ के शूटिंग देखने बहुत लोग आते थे, तो एक रही साहब का को पान बहुत पसंद है, तो उनका पान का बिजनेस था। मुझे बताया, कहते हैं 5 रुपये से लेके 5,000-50,000 का पान बनता है। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं, और ये 1988 की बात है। कहते कल मैं आपके लिए 5,000 वाला पान लाऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, कहते अरे हमारा बिजनेस है। तो वो ले आए, अगले दिन शूटिंग चल रही थी, वीडियो पान लंच ब्रेक था। आई वाज जस्ट 25-year-old किड ना, तो मैंने पान लिया, मुंह में डाला, चबा चुप के 2-3 मिनट में ख़त्म। तो मैंने उनकी तरफ मुड़ के देखा, मैंने कहा बहुत अच्छा पान था। तो उनके चेहरे पे जो भाव था ना, एक अद्भुत भाव था कि मैंने बिल्कुल, तो ऐसा भाव था, मैंने कहा क्या हुआ, अच्छा था पान? तो मुझे देखा एकदम डिसगस्टेड, अच्छा क्या होता था, आपको क्या पता अच्छा क्या था पान, आप तो बकरी की तरह चबा के खा गई, बकरी की तरह। तो मैंने कहा और कैसे खाते हैं? कहते ये पान यहाँ पे नाजर यहाँ रखिए गाल में, फिर उसे धीरे धीरे 1 घंटे बाद इधर तक सरकाइए, फिर वापस इधर ले जाइए, 2-3 घंटे में ख़त्म होता है सब पान, आप बकरी की तरह खा गई। जाचा ने रिलायंस की पान खाने का एक तहजीब होती है भाई। और फिर मैंने कहा ये मैं अगली बार के लिए याद रखूंगी। और इसी के साथ बताई अपनी वेब सीरीज चापास हिंदुस्तान के बारे में भी। बहुत मजा आया और नॉस्टैल्जिया तो क्या कहने, ऐसा लगा कि वापस शुरुआती के दिनों में आ गई हूँ बम्बई। इट्स नाइस, यू नो, इट्स नाइस टू टच बेस, टू बी पार्ट ऑफ द लार्जर वर्ल्ड आउटसाइड। अच्छा लगता है कि आप ऐसी जगहों में जाओ जहाँ पे आप बहुत सालों से नहीं गए हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि अरे अब यहाँ क्यों जाएं जब, बट आई थिंक इट्स ग्रेट टू बी हियर। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव स्पेंड द डे लाइक दिस। मैंने पब्लिसिटी और वो सब एक चीज़ है, लेकिन मुझे वाकई दिल से खुशी हो रही कि मैं यहाँ बैठी हूँ और यू नो ऐसे घूम रही हूँ जैसे बहुत सालों बाद कर रही हूँ मैं, और अच्छा लग रहा है। मैं अक्सर कई शहरों में जाती हूँ तो करती हूँ, पर ये कुछ अलग ही है कि अपने ही शहर में अपनी ही जगहों में आप बहुत दिनों बाद इस तरह से आ रहे हैं। जैसे मैं बीच पे चलती हूँ, लेकिन ऐसे समय चलती हूँ जब सुबह हो या शाम हो, पर यहाँ बैठ के सबके साथ बात करके, और लोग आते हैं फ़ोटो खींचते हैं आपके, चीज़ों के बारे में बात करते हैं, एंड देन टू ईट द फूड हियर इज सो नाइस, इट्स हेल्दी एंड इट्स इकोनॉमिकली वायबल, सो इट्स अ डिफरेंट लाइफ, एंड इट्स इस लाइफ में भी एक अलग किस्म का नर्चर का सेंस मिलता है। तो ऐसे में आपकी एक सीरीज आ रही है जाबाज के, जिसकी वजह से हम आए हैं जाबाज हिंदुस्तान के ऑन 26 जनवरी
गणतंत्र दिवस के दिन रिलीज़ हो रही है जाबाज़ हिंदुस्तान के, इस वजह से मुझे यहाँ वहाँ घुमाया जा रहा है, तो ये अच्छा है, मैं और जाबाज़ हिंदुस्तान के करूँगी। अ वुमन पुलिस ऑफिसर एज अ फाइटर ऑफ टेररिज्म, मोस्टली पुलिस ऑफिसर्स में बना है, लेकिन सिर्फ केवल टेररिज्म की स्पेशलिस्ट होना, जिनसे टेररिस्ट भी डरते हैं उसकी काबिलियत से, तो जो रोल लीड रोल है जिनका, तो ये एक अच्छा और ये रियल लाइफ है, दैट इज़ अ इंटरेस्टिंग थिंग, कि ये मनगणत कहानी नहीं है। ऐसे ऑफिसर्स हैं हमारी पुलिस फोर्स में, औरतें हैं जिन्हें शिलोंग की शेरनी का नाम दिया गया था, एक थी कोई जिनके ऊपर ये सीरीज़ बनी है, तो इट्स अ वेरी गुड यू एस पी आई वुड से, मीनिंग इट्स अ वेरी गुड नॉट जस्ट यू एस पी, अ वेरी गुड थिंग दैट दिस एक्चुअली इज़ देयर इन आवर सोसाइटी, इन आर लाइफ, इन आर कंट्री, इट्स वेरी नाइस। नहीं, एज एन एक्ट्रेस मैंने अपनी निजी ज़िंदगी और एक्टिंग की लाइफ को दोनों को काफ़ी अलग रखा है। मोस्टली निजी ज़िंदगी को मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया है टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। आई हैव ऑलवेज वॉन्टेड माई वर्क टू स्पीक फॉर मी, एंड इवन टुडे आई प्रिफर टू कीप माई लाइफ वेरी प्राइवेट। आई बिलीव एवरी वन हैज़ देयर ओन काइंड ऑफ स्ट्रगल्स, तो अगर कोई कहे कि हाँ मेरी बहुत स्ट्रगल हुई है, हाँ सबकी होती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हर तरह से। इतना ज़रूरी है कि अगर शुरुआती के दिनों में आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ जा रहे हैं, कि आप 10-20 साल बाद भी रेलेवेंट रहेंगे या नहीं, क्योंकि और जो आप चॉइसेस कर रहे हैं, जो आपके दिल से उठी हैं चॉइसेस काम की, जो कमर्शियल वायबिलिटी के प्रति आकर्षित नहीं थी पर कंटेंट के प्रति आकर्षित थी, मेरी चॉइसेस हमेशा वही रही हैं। तो अभी 33 साल हो गए हैं फ्रॉम द टाइम आई डिड माय फर्स्ट फिल्म, माय फर्स्ट टीवी शो, एंड इट्स नाइस दैट आई एम हियर टॉकिंग टू यू। मेरे सभी दर्शकों, सभी ऑडियंस को आई होप आपको ये दिन मेरे साथ बिता के अच्छा लगा, और इस दिन के जो टेस्ट है और जो खुशबू है वो मैं आपकी तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ, और नहीं कर पाई हूँ तो फिर वैसे भी आपको ये दिन समर्पित है। थैंक यू। तो उम्मीद है मीता वशिष्ठ को आपने एक अनोखे अंदाज में सास बहू और बेटिया में देखा होगा, क्योंकि पर्दे पर उनका ये अनोखा रूप नहीं दिखता है, और आज सास बहू और बेटिया संग मीता ने खूब एंजॉय किया। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। नाम तो आप जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।